हेलो गाइस, वेलकम टू आतम बजीस एंड लब्बा चैनल। गाइस, जैसा कि आपको देख रहा है, मैंने मटके लगा दिए हैं। गाइस, ये मटके मैंने कल लगाई थी और आपको दिख रहा होगा कुछ फीमेल मटकी में जा भी रही है। जैसा कि आपको ये आगे वाली मटकी दिख रही है, इसमें ये फीमेल बैठी हुई है और एक दो मटकी और हैं उसमें भी फीमेल जाने लगी हैं। तो इसमें चार पेयर हैं, आपको दिख रहे होंगे, और मैं आपको दिखाता हूँ मेरे और पेयर कहाँ हैं और मैंने इसमें क्यों नहीं छोड़े। तो ये है मेरे वो और पेयर, ये मैंने इस केज में रखे हुए हैं और ये मैंने इसलिए नहीं छोड़े क्योंकि इसमें कुछ पेयर मतलब भी पट्टे हैं, उनके मतलब पेयर नहीं बने। ये आपको दिख रहा है, देखो पायड का ये मेल है, इसकी एज करीब 4 मंथ है और इसका भी पेयर ही लगा। और वो फीमेल बैठी है, आपको दिख रहा है जो फीमेल है, मतलब इनका किसी का पेयर नहीं लगा हुआ, इसलिए मैंने उसको नहीं छोड़ी क्योंकि उसमें छोड़ूंगा तो और पेयर को डिस्टर्ब होगा, क्योंकि यहाँ पे पेयर बनते जाएंगे और एक बार एक करके छोड़े जाएंगे। तो जैसे पेयर बना यहाँ पे और वैसे ही हम उसको बड़े केज में छोड़ देंगे। और दोस्तों, आपको हम बताते हैं ब्रीडिंग के लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है और बर्ड्स को कैसे जल्दी ब्रीड पर लाया जाए। तो पहले तो हम विटामिन और कैल्शियम की बात कर लेते। तो आप विटामिन में सबसे बेस्ट विमल है, आप विटामिन में विमल दीजिए। और दूसरी चीज़ है गाइस, कैल्शियम में ऑस्ट्रो कैल्शियम दे दीजिए, कैल्शियम में ऑस्ट्रो कैल्शियम बहुत बेस्ट है। और वैसे आप दे सकते हो समुद्री जाग, ये सब भी कैल्शियम और कैल्शियम ब्लॉक, ये भी आप कैल्शियम में ही आते हैं। और सॉफ्ट फूड की बात करें गाइस, तो एक दिन आप दीजिए इनको भीगा हुआ गेहूँ दीजिए। गेहूँ आपको कैसे देनी है, आपको रात को भिगो के देनी है गेहूँ, क्योंकि अब तो गर्मियाँ चल रही हैं तो आप रात को भिगो के सुबह दे सकते हो उसको साफ करके। और दूसरे दिन आप दे दीजिए इनको चावल दे दीजिए, बॉयल राइस में थोड़ा सा हल्का सा काला नमक डाल के इनको बॉयल राइस दे दीजिए। और तीसरे दिन आप दे दीजिए इनको कच्ची मक्का, उसको भुट्टा भी बोलते हैं, कच्ची मक्का जो फीकी हो मीठी ना हो, आप उसको दे दीजिए, उससे काफ़ी इनको इनपुट होगा। और गाइस, अभी एग फूड तो बिल्कुल ना दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप एग फूड नहीं दे सकते। और गाइस, हम आपको इनकी प्रोग्रेस दिखाएंगे जल्दी, क्योंकि मटकियाँ सेलेक्ट हो रही हैं, अब जल्दी आपको इनकी प्रोग्रेस दिखाएंगे। और गाइस, आप भी मटकी लगा सकते हो और आपके यहाँ टेम्परेचर ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हमारे आतरस में थोड़ा सही है क्योंकि थोड़ी बारिश भी पड़ी थी, इस वजह से थोड़ा ठंडा हो गया मौसम और इतनी गर्मी भी नहीं हो रही कई दिन से। तो मैं सोचा चलो मटकी लगा देते हैं बस के लिए। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा ढक्कन खोल रखा है क्योंकि बर्ड्स को मटकी में आवास ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 1 लाख वीडियो को जरूर दें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और गाइस, आपका कोई भी सवाल हो वो हम वीडियो में लेकर आएंगे, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके जाया करें। और गाइस, मिलते हैं अगले इंटरव्यू टॉपिक के साथ, अभी के लिए बाय।